Hello and welcome. Today's topic is our goblet cells. These are simple columnar epithelial cells directly originates from endoderm. मतलब आज का जो कोशिका है goblet कोशिका साधारण columnar epithelial कोशिका होता है जो endoderm से पैदा होता है. Cytoplasm consists of lots and lots of granules which secretes mucin and the cells presents in respiratory tract, GI tract and conjunctiva. Has microvilli on the cell surface towards vesicles as you can see in this photo. मतलब इन कोशिकाओं के अंदर जो पानी है मतलब साइटोप्लाज्म में इनमें भर भर के ग्रेन्यूल्स पड़ा होता है जो म्यूसिन बनाते हैं. ठीक है, अब ये सब कोशिका हमारे शरीर पे कहाँ पर रहते हैं? जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉन्जंक्टिवा और जहां पर वेसिकल होते हैं इसके ठीक ऊपर छोटे 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 माइक्रोविले रहते हैं. ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट और कॉन्जंक्टिवा इन सब के बारे में एनाटॉमी में डिटेल्स में बात कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, चाहो तो देख सकते हो. Mucin are special type of glycosylated protein. Lots of mucin gets together and form mucus. Mucus is a gel-like substance. Acts as a protective layer. Mucin क्या होता है? एक खास तरीके का glycosylated protein होता है और बहुत सारे mucin एक साथ जुड़ के mucus बनाते हैं. Mucus मतलब आपका बलगम. ठीक है, अब बलगम जेल जैसा होता है. ठीक है, ना तो पानी ना तो हार्ड, थोड़ा जेल जैसा, जेली जैसा. बलगम का काम क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं. See you next video.